हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नटखट मटरू। और मैं मटरू की अम्मू। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब हेल्दी वेल्दी होंगे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स, पिछले साल हमने गांव में मकान बनाया था, लगभग जो 2 से 2.5 महीने में बन के तैयार हो गया। उसी के बारे में मैं आज आपको अपना ये ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ। तो ये हमारे गाँव का रास्ता है जो जैरल की तरफ से हमें जाना पड़ता है, और केदार पे जो पुल बन रहा है उसकी वजह से। तो देखिए फ्रेंड, ये अभी जो पुराना मकान था हमारा, लगभग 100 साल पुराना, उसको तोड़ा है। और उसके देखिए नीचे बड़े बड़े पत्थर निकले हैं, लगभग 100-150 किलो का एक पत्थर। ये हमारे परिवार के लोग, नींव की खुदाई हो रही है जो जहाँ पे काम चल रहा है। ये मेरी जिठानी है, ये ऑरेंज साड़ी वाली, ये पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी आपने। तो फ्रेंड्स, गांव में मकान बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले 1.5 से 2 किलोमीटर तक हमें खच्चरों की सहायता से सामान लाना पड़ता था, अब लगभग 500 मीटर नीचे सड़क आ गई है। यहाँ पे देखो, खच्चरों के द्वारा सामान ले जाया जा रहा है पहाड़ी के ऊपर, ये देखिए। और ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें गाँव में मकान की लागत शहरों की अपेक्षा दुगनी या तिगुनी हो जाती है, ये देखिए, क्योंकि सारा सामान खच्चर में लाते हैं और पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो नीचे जो नदी है वहाँ से खच्चरों के द्वारा पानी मंगाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पिलर लगाए गए हैं, ये पिलर और ये नींव में जो RCC किया जाता है वो है। तो फ्रेंड्स, इसमें सारा सामान हमने खच्चरों के द्वारा मंगवाया। नीचे रोड से ऊपर पहाड़ी पर मकान बनाना बहुत मुश्किल होता है, और पहाड़ी भी कहीं कहीं पे स्लाइडिंग भी हो जाती है, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पिछले साल जब कोरोना हुआ था, तो सभी कोरोना का टाइम चल रहा था, सभी लोग अपने अपने गांव जा रहे थे। तो फिर हमारा भी 100 साल पुराना मकान था, जिसको फिर हमने तुड़वा के ये दोबारा से अब नया मकान लेंटर वाला बनवाया है। तो ये देखिए, आप देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सीढ़ियाँ देखिए फ्रेंड्स, काम चल रहा है। और हमने ये जो गांव के मिस्त्री हैं, बहुत टाइम लगता है, तो हमने ये शहर से मिस्त्री ले गए थे काशीपुर से, उनके द्वारा ये काम फटाफट किया गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेंटर डला, ये प्लस लेंटर खुलने के बाद जो अंदर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये देखिए, ये बाथरूम का एरिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किचन, ये किचन में जो स्लिप डाली गई है, ये एक रूम है, ये यहाँ इसकी खिड़की से पूरा गांव दिखता है। यहाँ से वेंटिलेशन भी अच्छा कर रखा है। ये देखिए, ये एक अनदर रूम, अभी टाइल्स का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, और फ्रेंड्स मेरे ये ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। अभी नई नई ब्लॉगर बनी हूँ, तो इतना एडिटिंग वगैरह के बारे में नहीं जानती हूँ। धीरे धीरे आप मेरे उस ब्लॉग में देखेंगे कि ग्रो हो रहा है, और मुझे एडिटिंग का काम भी आ रहा है, मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। तो आप लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये बाहर का एरिया, ये जीना बनाया जा रहा है ऊपर को, ये देखिए, ये बाहर की साइड दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये पीछे की तरफ, ये देखिए, ये पहाड़ी, अभी इधर की साइड जो बना है, इधर हमें दीवार देनी पड़ेगी जैसे पहाड़ों में दिया जाता है, ताकि बारिश, क्योंकि पहाड़ों में बहुत बारिश होती है, बारिश की वजह से स्लाइडिंग का खतरा रहता है। अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, बेसिकली हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गाँव है सटेड, वहाँ रहते हैं। ये दिल्ली से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। वैसे हम जॉब वगैरह सब हम लोग दिल्ली में ही करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी भी मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, टाइल्स लगाई जा रही है बाहर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मिस्त्री लोग काम पे लगे हुए हैं। यहाँ से छत का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, सारी पहाड़ी नदी सब दिखते हैं। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बाथरूम में टाइल्स लगाई जा रही हैं, एक ही बाहर भी बाथरूम बनाया, ताकि गेस्ट वगैरह जो भी
आते हैं सब लोग, तो फिर एक बाथरूम कम पड़ जाता है तो दो दो बनाए हैं, एक बाहर की साइड, ये वॉश बेसन, ये देखिए ये अंदर रूम में अब टाइल्स लगा दी गई हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। ये लास्ट हमने अक्टूबर में बनाना स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2021 में ये बन के जनवरी 2022 में कंप्लीट हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल आई गांव में मकान बनाने में। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया ऊपर वाले की कृपा से, प्रभु कृपा सब पे बनी रहनी चाहिए। ये देखिए अब मैं अंदर का व्यू दिखाती हूँ आपको, ये एंट्रेंस। अब देखिए ये हॉल है, अभी काम चल रहा सब वो वाइट वॉश वगैरह, तो बेड लगाया बाहर। ये किचन है, अभी ऐसे फैला हुआ है क्योंकि अभी हम आके सामान सेट ही किया, सब सामान हमने दोबारा दिल्ली से ला के सेट किया है। ये फ्रेंड्स एक रूम मेरा, ये जो बाथरूम में स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, ये बाहर का बाथरूम जीने के नीचे वाला, ये देखिए। ये देखिए ये छत में से गांव का पूरा व्यू दिखता है, पहाड़ी दिखती है। ये पानी का टैंक, 1000 लीटर की टंकी लगवाई है। ये देखिए ये पहाड़ी पे, ये जनवरी के महीने में बनाया था तो ये सारा चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएगा। ये सर्दियों में बनाया था तो देखिए ये आग वगैरह सेका जाता गांव में। ये यहाँ पानी भी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, जो मकान के जो चारों तरफ का एरिया है, बैक साइड का है ये, इस पर भी RCC करवाना पड़ता है, नहीं तो ये बारिश बहुत होती है तो पानी मकान की नींव में घुस जाता है। ये चारों तरफ से RCC करवाई गई है। ये देखिए ये सारी RCC चारों तरफ, मकान के चारों तरफ कराई है। अभी साइड से हमें दीवार भी देनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा साइड बारिश होगी तो मिट्टी गिरने का डर है, जिससे मकान नीचे बैठ जाते हैं। पहाड़ों में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो लागत डबल तिबल आ जाती है।